What's up guys, welcome to a new vlog. आज के vlog में हम करवाने वाले हैं अपना हेयर को कलर पूरा और कलर प्लस केराटीन हो सके तो करवाएंगे। अभी देखते हैं बाल का कैसे क्या करना है, कौन सा कलर करना है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है लेकिन फिर भी देखते हैं। तो लाइट में नहीं करवा रहे, थोड़ा डार्क में करवा रहे हैं और ऐसा कलर करें कि जब कलर उतरे तब भी थोड़ा वो लाइट नहीं आए, कलर जो डार्क है वो लाइट नहीं जाएगा। हाँ, लाइट साइड से कटिंग हो चुका है अपना, अब बस बचा है कलर एंड केराटीन। कलर केराटीन और कलर दोनों साथ में करवा रहे हैं तो देखना रिजल्ट कैसा आता है। तो अभी कटिंग हो चुका है, कलर बाकी है, कलर हो रहा है। इस कलर को कितना देर रखना पड़ेगा राज भाई? 50 मिनट्स जी, 50 मिनट्स कलर रखेंगे, उसके बाद केराटीन होगा। फिर केराटीन को भी रखना पड़ेगा कितना राज भाई? 25 से 30 मिनट रखना, तो मतलब 2-3 घंटा का अभी छुट्टी हो गया है। देखते हैं रिजल्ट कैसा होता है। अभी कलर बताएंगे नहीं कौन सा कलर हो रहा है, सीधा आपको रिजल्ट दिखाएंगे उसके बाद बताएंगे। व्हाट्सअप क्या बोलती पब्लिक यूट्यूब की? तो अभी कुछ हाल ऐसा है कि पीयूष भी आ चुका है हमारे ब्लॉग में और अभी मेरा ये जो आप देख रहे हैं क्या बोलते हैं इसको, सर का ताज ये जो सर का ताज है ये अभी 1 घंटा में निकल जाएगा और फिर हम बन जाएंगे कलर वाले, ऐसा स्टाइलिंग फिर कलर हो जाएगा हमारे बालों पर। ग्रे कलर हम लोग करवा रहे हैं, अरे बता दिया, बताना नहीं चाहिए था। चलो इसको कट कर देंगे और तो अभी ब्लॉन्डिंग का प्रोसेस पूरा हो गया है, अब हम लोग इसको टोन डाउन करेंगे और देखते हैं उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। अभी आप देख सकते हैं पूरा ब्लॉन्ड हो गया है, अब इसको टोन डाउन करेंगे। हट 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 तो भाई अभी टोन अप हो गया, ठीक है, टोन डाउन नहीं हुआ, अभी केराटीन कंप्लीट हो गया है। केराटीन के बाद आप देख सकते हो बालों में क्या टेक्सचर आ चुका है, अब बस बचा है टोन डाउन एंड टोन डाउन के बाद रिजल्ट देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया है, केराटीन प्लस कलर का जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा आया, तो थम्स अप। तो 2 दिन बीत चुके हैं और बालों का कुछ ऐसा हालत है, आप देख सकते हो केराटीन अभी भी बालों में बहुत अच्छे तरीके से है और हम इसे कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं। मैंने बहुत दिनों से ऐसे ही रखा हुआ है बाल, इसलिए ऐसे है, मैं ब्लो ड्राई करूँगा तो टेक्स्चर आ जाएगा बालों में और वैक्स वैक्स लगाऊंगा तो टेक्स्चर आ जाएगा। तो दोस्तों बालों को तो हमने सेट कर लिया है लेकिन ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं लाएगा आप में जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा स्पीकिंग स्किल। दोस्तों ये सब मैं इसलिए कराता हूँ कि मेरे में कॉन्फिडेंस आए इन फ्रंट ऑफ अ गर्ल, इन फ्रंट ऑफ एनी वन। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई तभी होगा जब आपको इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से आएगा। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई मुझे इंग्लिश लिखना या पढ़ना तो आता है बट मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ कॉन्फिडेंटली, तो उसके लिए एक सोल्यूशन आपका भाई ले आया है। तो आपको सिंपली एक ऐप डाउनलोड करना है, उसका नाम है कैम्बली। कैम्बली एक इकलौती ऐसी ऐप है जो आपको 1-on-1 प्राइवेट इंग्लिश क्लासेस करवाती है जिसमें आप UK, US, कैनेडा जैसे कंट्रीज के ट्यूटर से 1-on-1 बात कर सकते हो, क्लासेस ले सकते हो और ये उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश पढ़ और लिख पाते हैं सही से, कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते हैं। इसमें आप गोल्स के अकॉर्डिंग अपने कोर्सेज भी चूज़ कर सकते हैं और कैम्बली की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इनके ट्यूटर्स इतने सपोर्टिव और फ्रेंडली हैं कि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव करवाएंगे और आपको जज भी नहीं करेंगे ज़रा सा भी।
इसमें आप हजारों ट्यूटर्स में से किसी एक को भी सिलेक्ट करके उससे क्लासेस ले सकते हैं और 24/7 आप यहाँ क्लासेस ले सकते हैं, जैसा कि मैंने लिया, आप देख सकते हो। Hello. Hi. Hi, how are you? I'm good. What about you? I'm doing great, thank you. What's your name? My name is Asad Sayed. Okay. And where are you from, Asad? I'm from India. From India. Are you from Andaman, maybe Delhi, New Delhi? No, I'm from Kolkata. वैसे जैसा कि आपने देखा कि इसमें इंग्लिश सीखना कितना इजी एंड मज़ेदार है, आप भी इंग्लिश आराम से इसमें सीख सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरा कोड असल स्टाइलिंग यूज कर सकते हो टू गेट 25% ऑफ फॉर एनी 3 month प्लान। अराउंड 300 किलोमीटर ट्रैवल करके हम आ गए ढाबे में और वहाँ पर हम रुके हुए हैं और यहाँ पर मेरे साथ पीयूष भी है जो अभी ब्लॉग में आया ही था, फिर आ गया फिर से। तो बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि कॉस्टिंग कितना पड़ा, तो मेरा कॉस्टिंग पड़ा, पहले बात की कलर का, मेरा पड़ा 1000 रुपीज़ एंड कैरेटीन का पड़ा 1500 रुपीज़, तो अराउंड मिला के 2500 रुपीज़ का ये पूरा हुआ है। और ये तब अच्छा लगेगा जब साइड में थोड़ा ग्रो हो जाएगा और ऊपर से ये बाल आने लगेंगे ब्लैक, तो और ज़्यादा खिलेगा ये। आज पार्टी अंदर ही खिलेगा, जब बहुत खुश है। क्यों खुश है? बस कुछ बात है, किसी को कुछ देने का था बट वो सामने वाली डर गई। इतना पर्सनल मत जा, इतना पर्सनल नहीं जाना चाहिए ब्लॉग में। नहीं, मुझे हाईवे से मगर प्यार है, हाईवे इज लव। जब भी मैं हाईवे आता हूँ तो मुझे अलग सा फीलिंग आता है। मतलब मेरा बाइक भी आने वाला है अगला हफ्ता, तो अगला हफ्ता तक बाइक आ जाएगा और उसमें हम लोग मचाएंगे, मस्ती करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आगे वाले व्लॉग्स में। और कल मेरे को अपने रूम में एसी लगाना है तो उसका भी व्लॉग आएगा, सब चीज़ का व्लॉग आएगा। लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, मतलब हर व्लॉग में हर कुछ दिखाना है, तो अगर डेली व्लॉग्स करना है, हालांकि मैं डेली व्लॉग्स कर नहीं रहा हूँ, अगर डेली व्लॉग्स करना है तो ये सब दिखाना ही पड़ेगा अपना डे टू डे लाइफ, कि मैं चप्पल कौन सा पहन रहा हूँ, जूता कौन सा पहन रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, सब दिखाना पड़ता है यार। दिस इज़ कॉल्ड डेली लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग। तो पीयूष का बर्थडे आने वाला है जिसमें हम लोग टैटू बनवाने वाले हैं पीयूष का। पीयूष एक टैटू बनाएगा, सजेस्ट करो कौन सा टैटू बनाएगा पीयूष पे, कौन सा टैटू सूट करेगा कमेंट सेक्शन में बताने के लिए। तो पीयूष क्या सोच रहा है, तो क्या बनाएगा? अभी तक तो कुछ नहीं सोचे, बट सोचे कुछ अच्छा सा यहाँ पर बनवाएंगे। अच्छा, वन डायरेक्शन में एक सिंगर था, उसका टैटू बहुत अच्छा था यहाँ पर, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, बहुत सारा था, जैन मलिक था, उसके बाद हैरी स्टाइल था, उसके बाद लुइस करके कोई था, मेरा जहन में नहीं आ रहा है, बट उसका एक टैटू था, वो वाला करवा लेना, बहुत सेक्सी टैटू है, मजाक नहीं कर रहे। तो गाइस व्लॉग में बस इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और कलर कैसा लग रहा है मेरे बालों का वो आप बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।